हेलो बच्चों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। यहाँ पर जो वर्षा गायकवाड़ जी हैं, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जो राज्यसभा में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि जो भी टीचर है या बच्चों ने जो कैंपेन चालू किया था उसको हम लोगों ने सीरियस लिया और उसके लिए हम जो बच्चों का एग्जाम है उसमें थोड़ी सहूलियत देंगे, या फिर उनके लिए जो क्वेश्चन बैंक का जो एक प्रावधान किया गया था टीचर की तरफ से कि ये जो एक मांग की गई थी उसमें उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन बैंक टू बी मेड टू हेल्प स्टूडेंट पेपर, यानी उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन बैंक बच्चों को दिया जाएगा जिससे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो और वो आसानी से अपना जो एग्ज़ाम है वह दे सकते हैं बिना किसी डिप्रेशन के। और उन्होंने साथ साथ में और भी बहुत चीज़ें बोली है, जैसे उन्होंने कहा था कि जो 11वीं जो 12वीं और 10वीं है यहाँ पे, और जो कोविड का ये पेंडेमिक चल रहा है उसके कारण बहुत से बच्चे क्या 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को लेकर बहुत ही असमंजस में हैं। इसके कारण उन्होंने कहा था कि जो भी उसके आवश्यक होगी परीक्षाओं को लेकर 12वीं और 10वीं के लिए, उसके लिए वो हर मदद के लिए तैयार है और हर सुविधा के लिए वो चर्चा के लिए तैयार है, यहाँ पे उन्होंने कहा था। और उन्होंने समितियां भी बनाई थी जिन और जो समिति इस पे चर्चा करेगी और आगे के बारे में निर्णय लेगी कि परीक्षाओं को क्या ऑफलाइन ही कराना चाहिए या फिर और भी उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने एक चीज तो ये कर दी कि उसमें जो क्वेश्चन बैंक था वो दे के बहुत थोड़ी सी बच्चों की मदद की है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है यानी जहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे जो कोविड-19 की जो केसेस की संख्या है वो ज्यादा है, वहाँ पे क्या वहाँ पे विचार करके या फिर वहाँ के जो कलेक्टर हैं या फिर वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, उनसे विचार करके, उनसे बैठक करके, वहाँ के स्थिति का पूरे विश्लेषण करके वहाँ पे जो बच्चों की परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, क्या वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए या फिर कोई और मेथड से होनी चाहिए, इस पर वह विचार करने वाले हैं।